सबसे पहले तो मैं आप सब की क्षमा मांगूंगा क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ। मैं कर्नाटका से आ रहा था तो अच्छा नहीं आप जैसे बड़े लोगों को इंतजार कराना चाहिए, और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए, मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। आप सबको नमस्कार। आज ही जैसा अरुण जी ने बताया, भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, और इस महत्वपूर्ण अवसर पर इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हो रहा है। आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का कह रहा है। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। साथियों, मैं जब भी इस तरह के कॉन्क्लेव में आता हूं, आप सभी की उम्मीद होती है कि खूब सारी हेडलाइंस देकर जाऊं, लेकिन मैं हेडलाइंस पर नहीं बल्कि डेडलाइंस पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। और इसलिए आज मैं यहां वो बातें भी बताऊंगा जिनको मीडिया उतना आकर्षक नहीं मानता है। उसमें यहां बैठे हुए का दोष नहीं है, उस पूरी बिरादरी का। जिन्हें मीडिया छूना पसंद नहीं करता, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जो सामान्य जन को छूते हैं। अब जैसे एक विषय है स्टार्टअप्स का, यह सही है कि 10 साल पहले तक बहुत इने गिने स्टार्टअप थे, मुश्किल से 100 के आसपास होते थे। आज करीब 125,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, लेकिन भारत की स्टार्टअप क्रांति की पहचान सिर्फ नंबर वाली नहीं है। भारत की स्टार्टअप क्रांति की असली पहचान यह है कि ये स्टार्टअप हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है, यानी एक प्रकार से 90% एरिया ऑफ द कंट्री। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वरना लोगों को लगता है स्टार्टअप मतलब बेंगलुरु। 600 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप होना
यानी टीयर टू और टीयर थ्री जो शहर है वहां के नौजवान स्टार्टअप क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं। छोटे शहरों के युवाओं की इस सफलता ने भारत की स्टार्टअप क्रांति को ड्राइव किया है। और आज देखिए, जिस दल ने कभी स्टार्टअप्स के बारे में चर्चा तक नहीं की, उसे भी स्टार्टअप्स की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथियों, आप जमीन पर रोजगार और स्वरोजगार में जिस योजना से बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, उसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है। और ये योजना है मुद्रा योजना। हमारे देश में बैंकों से मदद पाने के लिए युवाओं को जगह जगह गारंटी देनी पड़ती थी, लेकिन मुद्रा योजना ने उन नौजवानों को भी लोन की गारंटी मिली जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं था। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और आंकड़ा भी आपको चौंका देगा, विदाउट गारंटी 26 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन ऐसे छोटे छोटे उद्यमियों को मिला है। इनमें से करीब 8 करोड़ मुद्रा लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार अपना कोई बिजनेस शुरू किया है। ऐसी ही एक और योजना है पीएम स्वनिधि। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार सस्ता और आसान ऋण मिला है, और वो भी विदाउट गारंटी। और इसके पीछे कारण है, मेरा जिंदगी का जो तजुर्बा है, इतने सालों में जो भी देखा है, जाना है, समझा है, और मेरा ये विश्वास बन गया है, क्योंकि मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है। और इसलिए मेरा साहस था कि स्ट्रीट वेंडर्स को विदाउट गारंटी पैसे देने का निर्णय करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन इनका किया था, स्ट्रीट वेंडर्स का। देश के कोने कोने से हजारों रेहड़ी पटरी ठेले वाले गरीब लोग आए। मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज आपके प्लेटफॉर्म पर मैं उन रेहड़ी पटरी ठेले वालों की सराहना करूंगा। और आपको याद होगा, रूटीन में हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन कोविड के दिन याद कीजिए, इनके बिना जिंदगी कितनी मुसीबत में पड़ गई थी। और मैंने उसी दिन तय किया था कि ये शक्ति तकती हैं, मैं इनके लिए कुछ करूंगा। साथियों, सराहना इसलिए क्योंकि डिजिटल इंडिया को जिस तरह उन्होंने अपनाया है, मैं समझता हूं वो बहुत बड़ा काम हुआ है। जिन्हें अनपढ़ कहकर अपमानित किया गया था, वो ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले आज भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बने हुए हैं। विश्व में जो भारत की डिजिटल क्रांति की चर्चा होती है, उसका एक कारण यह है, हमारे यहां जो एम्बेसीज हैं ना,
उनके यहां उनके देश का कोई मेहमान आता है तो किसी रेहड़ी पटरी वाले के यहां जाके कुछ खरीद करके डिजिटल ट्रांजेक्शन दिखाते हैं उसको, यानी बहुत बड़ा मार्केटिंग विषय बन गया है। हमारे इन लोगों की जो मेहनत मीडिया में हाइलाइट किया जाना जरूरी है, और आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कहो तो दुरुपयोग मैं इसे ही कर लिया आया हूं आज। साथियों, संभव है यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में पता नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही मैंने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो गांवों में 10, 12, 15 बहनें इकट्ठी होकर के कभी पापड़ बनाना, कुछ आचार बनाना, ऐसा छोटी मोटी कमाई का काम करते हैं, ऐसी महिलाओं को 1000 ड्रोन्स सौंपे हैं, 1000 ड्रोन्स। और ये ड्रोन वैसे नहीं है जो आप टीवी वाले वर्ल्ड वॉर का बिगुल बजाते हुए दिखाया करते हैं, वो नहीं है, ये गांव का, खेती का और महिलाओं का भाग्य बदलने वाले ड्रोन है। गांव की जिन महिलाओं ने कभी साइकिल तक नहीं चलाई होगी वो अब गांव में ड्रोन पायलट के रूप में जानी जाती है। और ये सिर्फ एक ड्रोन देने का कार्यक्रम, वही मैं किसी नौजवान को भी दे सकता था। मैंने बहुत सोच समझ करके बहनों के हाथ में दिया है, क्योंकि आज भी किसी गांव में एकाध बेटी अगर ट्रैक्टर चलाती है तो पूरे गांव में अजूबा होता है, अच्छा बेटी ट्रैक्टर, मुझे साइकिल को तोड़ना है। और मैं दिखाना चाहता हूं कि बेटी ड्रोन पायलट है, पूरे गांव के जीवन की सोच को बदलने का मेरा एक तरीका है। और मैं मानता हूं जब वो ड्रोन चलाएगी, खेत के सारे काम करेगी, कृषि की इकोनॉमी को बदल देगी, आप कल्पना कर सकते हैं कि उन महिलाओं के विषय में क्या होगा। मुझे याद है मैं जब गुजरात में था तो मैंने एक काम किया था, ये आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, मैंने कहा उनको अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए उनके लिए। और मैंने उस समय जो हमारे यहां टीम थी, मैंने कहा एयर होस्टेस से भी अच्छे कपड़े आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर का होने चाहिए। और मैं देख रहा था कि पहले गांव में सरकार, मतलब कोई पुलिस वाला आया तो लगता था कि सरकार आई। मैंने इनका सारा यूनिफॉर्म बदल करके ये स्थिति पैदा कर दी थी कि गांव वालों को लगता था ये मतलब सरकार। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी प्रेस्टीज मिली होगी। उसी साइकी, उसी सोच से मैंने ये नमो ड्रोन दीदी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। साथियों, आज भारत के हेल्थ सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसकी भी चर्चा उतनी नहीं होती। डॉक्टर त्रेहान यहां बैठे हैं, आप लोग 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना के विषय में कभी न कभी सुना है, कभी जाना भी होगा। लेकिन आप आज गांवों में जाएंगे तो वहां आपको एक और चीज मिलेगी, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमारा प्रयास रहा है कि गांव में, ब्लॉक में आधुनिक हेल्थ सेंटर की सुविधा हो, इसलिए हमने देश के गांवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं।
कुछ लोगों की परेशानी ये सारी योजना मंदिर में अटक जाएगी, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अब आप फिर कहेंगे कि मोदी जी ये आयुष्मान रायो के मंदिर कहां से लेकर आ गए। ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन ये काम हेडलाइन नहीं बनता है। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच वहां पर होती है। और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को हम डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के मरीजों को भी सीमलेस ट्रीटमेंट मिले। आज हम टेलीमेडिसिन की एक बहुत बड़ी सुविधा देश के गांव गरीब तक पहुंचा रहे हैं। हम डिजिटल रिवॉल्यूशन यूपीआई में दिखता है, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। अगर आपको सुविधा हो ई संजीवनी ऐप के माध्यम से ही अभी तक देशवासी 24 करोड़ कंसल्टेशन घर बैठे ले चुके हैं, 24 करोड़। देश के गांव में हो रही इस हेल्थ क्रांति की चर्चा भी आज उतनी ही जरूरी है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया मॉडल विकसित किया है। हमने उस पर फोकस किया है जो प्राथमिकताओं में सबसे पीछे रहता था। हमने सरकार बनते ही देश के 100 से अधिक पिछड़े जिलों के विकास के लिए अभियान चलाया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के कारण आज ये जिले अनेक पैरामीटर्स में दूसरे जिलों से भी कहीं आगे निकल चुके हैं। अब इस सफलता को हम डिस्ट्रिक्ट से नीचे ब्लॉक स्तर पर ले जा रहे हैं। हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट वो पहले की सरकारों की प्राथमिकता में सबसे पीछे था, लेकिन 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने तय किया कि हमारे मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन में उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, और वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं, इंटीरियर में जाना होगा। मेरे मिनिस्टर्स को भी जाना है, और इतना ही नहीं, रात को रुकना है। 2014 के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने 680 टाइम नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है, करीब करीब 700 बार भारत सरकार के मंत्री। प्रधानमंत्री के रूप में मैंने इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए उन सबने टोटल जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए होंगे उससे अनेक गुना बार मैं अकेला गया हूं। इतना ही नहीं, वो गांव जिन्हें पहले आखिरी गांव कहा जाता था, हमने पूरी मानसिकता बदली। जैसे पहले पिछड़े डिस्ट्रिक्ट कहते थे, मैंने कहा नहीं, दे आर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जिसको आखिरी गांव कहा जाता था, मैंने कहा नहीं, वो हिंदुस्तान के पहले गांव है। अगर पूरब में है तो पहली किरण वहीं आती है, और पश्चिम है तो आखिरी किरण उसको सलाम करके जाती है। अभी इस कार्यक्रम को लॉन्च हुए करीब 1 साल हुआ है। इस दौरान 17 मेरे कैबिनेट मंत्री इन दूर दराज के गांवों पर रात्रि मुकाम करके आए हैं, और कुछ तो गांव ऐसे हैं
जहां -15 डिग्री टेम्परेचर है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो दिखता है ना, वो तो बहुत छोटी सी चीज आपको पता है। हमारे मंत्री हर ऐसी जगह पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो उनके बीच रात बिताना, उनसे बातें करना, उनके सुख दुख को समझना, क्या एक काम को चुनाव के फायदे के लिए होते हैं क्या? वो गांव जब मुश्किल से 50 की बस्ती है, 100 की बस्ती है, पहुंचने में 3-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट है। चुनाव तो आते हैं जाते हैं साथियों, जिम्मेवारियां होती है। साथियों, जब सरकार का फोकस क्लियर होता है तो वह हर क्षेत्र में नजर आता है। जैसे मैंने कभी मीडिया को इस बात की भी चर्चा करते नहीं देखा कि कैसे इस सरकार ने नए मंत्रालय बनाकर अपने लक्ष्यों को साधने की कोशिश की। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने पशुपालन और फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया, और इसका नतीजा भी वैसे ही देखने को मिला है। आजादी के बाद पहली बार देश में लाखों नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा अभियान चला, और मैं स्किल डेवलपमेंट यानी इंडस्ट्री 4.0 को टारगेट करता हूं जी। कुछ लोग अभी भी गैरेज में जाकर के टायर वायर इधर उधर करते रहते, वो जमाना चला गया। अब इंडस्ट्री 4.0 है स्किल, स्क्रू ड्राइवर लेकर बैठने वाला काम नहीं है जी। आजादी के बाद पहली बार अब फिशरीज डिपार्टमेंट, मछली उत्पादन आज दोगुना हो गया है, और जितना हमारे यहां एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर की दुनिया का है, हमारे यहां मछली का एक्सपोर्ट करीब करीब उतना पहुंच गया है जी। आपको जानकर के और आश्चर्य होगा, कोविड में वैक्सीन का तो आपको सबको पता है, क्योंकि आपकी खुद की जिंदगी उसमें दांव पर लगी थी। लेकिन ये मोदी ऐसा है जिसने पहली बार पशुओं के टीकाकरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। टीकाकरण का काम चलता है, और मेरा जो अल्टीमेट मिशन है, जो मैं ग्लोबली इसको प्रमोट कर रहा हूं, वन अर्थ वन हेल्थ, इसका पीछे मेरे जो यानी पौधे की तबीयत हो, पशु की तबीयत हो या इंसान की हो, आप उसको टुकड़ों में नहीं देख सकते। और उसी की दिशा में साथियों, पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। आपने देखा होगा कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री मैंने अलग बनाई। इस मिनिस्ट्री बनने के बाद 60,000 से ज्यादा पैक्स के, जो छोटी छोटी उनकी कमेटियां होती है, 60,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण का काम, कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा हुआ है। 60,000 यानी गांवों में है ये। इसी मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू की है, 2,00,000 गोडाउन उसका काम चल रहा है। अब टीवी ने क्या, मीडिया का इंटरेस्ट क्या रहेगा कि बारिश में कहीं पर अनाज भीग रहा है तो 24 घंटे बहुत बढ़िया न्यूज स्टोरी बनती है। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, आप सही कर रहे हैं, लेकिन उसका समाधान क्या? 2,00,000 गोडाउन बनेंगे नए, और उसके साथ किसान को बहुत बड़ा फायदा ये होगा, अब किसान अपना माल बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा, वो गोडाउन में रख सकता है, जब मार्केट तेज होगा
उस दिन जाकर के वो बेचेगा, उसकी इनकम एश्योर हो जाएगी और जो बर्बादी होती है वो बचेगी। क्योंकि हम ऐसे हेडलाइन वाले कामों को ही काम मानने की एक ऐसी विचित्र परिस्थिति में हम जी रहे हैं, और इसलिए मैं आज उन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं जो आमतौर पर ऐसे समारोह के लिए शायद उनको बेचारों को जगह ही नहीं होती, तो मैं आया हूं तो साथ में ले आया हूं। साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले की सरकारों के समय आपने ईज ऑफ लिविंग जैसे शब्द तक नहीं सुने होंगे। जब पहले की सरकारों की सोच ही ऐसी नहीं थी तो वो देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर कैसे ध्यान देती है? पहले की सरकारों के समय जो पावरफुल थे, जो सक्षम थे, वो सुविधाओं के सबसे पहले हकदार बन गए थे। शाम दाम दंड भेद, जरूरत पड़े तो सिफारिश, जरूरत पड़े तो रिश्वत, कुछ भी करके सुविधाएं हासिल करते ले वो ले लेते थे। और बीच में पिस्ता कौन था? देश का सामान्य नागरिक, वो सामान्य नागरिक जिसको हम आर के लक्ष्मण के कार्टूनों से ही पहचानते थे। मैं उसके साथ जी करके आया हूं। हाल ये थे कि न इस कॉमन मैन के वक्त की हमें कीमत थी और न ही उसकी जिंदगी की परेशानियों को कोई समझता था। इस कॉमन मैन की ईज ऑफ लिविंग को ही भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में हमारी सरकार ने काम किया है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। हमारे देश में, और ये मैं जो आंकड़े रखता हूं वो थोड़ा आप लोगों से जुड़े हुए हैं तो आपको जल्दी अंदाज आएगा, पहले पासपोर्ट बनवाना हो तो औसतन 50 दिन लगते थे, और एक छोटे से पुलिस वाले को भी जाकर के जरा और इन 50 दिनों में भी लोगों को 50 फोन करने पड़ते थे, सिफारिश लगानी पड़ती थी, कोशिश करनी पड़ती। साथियों, आपको खुशी होगी, आज एक पासपोर्ट औसतन 5 से 6 दिन में आपके घर डिलीवरी हो जाता है। ये बदलाव कैसे आया? कर्मचारी वही है, फाइलें वही है, बजट वही है, बदलाव कैसे आया? लेकिन सरकार ने जैसे ही ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया, सिस्टम में परिवर्तन आना शुरू हो गया। और इसके लिए हमने सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सपोर्ट किया। 2014 से पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, पूरे देश में 77। आज करीब करीब 525 पासपोर्ट सेवा केंद्र है। साथियों, ऐसे ही परिवर्तन आप चारों तरफ होते हुए देख सकते हैं। दूसरा भी विषय मैं आप ही के लोगों के साथ जुड़ा हुआ उठाना चाहता हूं। 2014 से पहले इनकम टैक्स रिफंड का एवरेज टाइम था 93 डेज, और ये भी तो कुछ लोग सिफारिश के कारण जल्दी लाते इसलिए एवरेज कम आती होगी, बाकी कुछ लोगों को तो बेचारों को दो दो चार चार साल जाते होंगे। अब इनकम टैक्स रिफंड का एवरेज टाइम 10 दिन से भी कम हो गया है। से पहले हमारे टोल प्लाजा पर औसतन वेटिंग टाइम 12 मिनट से ज्यादा था, अब
फास्टैग आने के बाद टोल प्लाजा पर एवरेज वेटिंग टाइम 30-40 सेकंड है। साथियों, हमारे यहां गुलामी के कालखंड में बने पिनल कोड भी ऐसे ही चल रहे थे। अरुण जेटली ने भी उसका उल्लेख किया। उनके मूल में दंड था, न्याय नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेजों की मानसिकता से बना था। उसको जाते जाते भी मुझे आना पड़ा, तब वो गया। हमने अपने गवर्नेंस मॉडल की भावना के अनुकूल ही इनको न्याय केंद्रित बनाया है। ये जो तीन नए कोड संसद से पास हुए हैं, इनसे सामान्य से सामान्य नागरिक को और तेजी से न्याय मिलना संभव हुआ है। पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने 1,500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए हैं। इनमें से कितने ही कानून अंग्रेजों के समय में बने हुए थे और ऐसे ही चले आ रहे थे। मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों के जीवन में सरकार का दबाव भी नहीं और सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। गरीब है, उसको लगना नहीं चाहिए कि संकट के समय कोई आया नहीं। अभाव नहीं होना चाहिए, सरकार की जहां जरूरत है सरकार होनी चाहिए। लेकिन यह क्या तरीका है, आए दिन सरकार टांग अड़ाती रहे जिंदगी की हर चीज में सरकार। और मैं तो अगर 2047 तक का मेरा मिशन पूरा हुआ तो मान लीजिए मैं हरेक की जिंदगी से सरकार बाहर निकाल दूंगा। सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार होनी ही नहीं चाहिए, उसको खुली छूट होनी चाहिए अपनी जिंदगी जीने की, अपने सपनों को साकार करने के लिए खुला आसमान उसके लिए छोड़ देना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमने ईज ऑफ लिविंग के लिए, जैसा मैंने कहा ना, हमने 1,500 कानून खत्म किए, वैसे ही भांति भांति की चीजें सरकार मांगती रहती है। अच्छा, ये फॉर्म लाए, ये ले आओ, ये लाए, वो ले आओ, वो लाए, वो लाए, आपका घर यहां है, अच्छा आपके घर के सामने कौन रहता है, ले आओ। यानी ये पता नहीं सरकार में आदत बन गई है। आप जानकर के खुश हो जाएंगे, मैंने 40,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया और उन्हें बहुत आसान बना दिया है। 40,000 आप सामान्य नागरिक को क्या तकलीफ होती होगी भाई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने ही न पड़े, लाइनों में लगना ही न पड़े। बिजली बिल हो, हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, प्रॉपर्टी का काम हो, स्कॉलरशिप के लिए सब अप्लाई करना हो, ऐसे दर्जनों काम अब ऑनलाइन हो जाते हैं। अब रेलवे स्टेशन पर आपको कोई कतार नहीं दिखती होगी, बदल गई दुनिया। और साथियों, ईज ऑफ लिविंग का मतलब सिर्फ इस तरह की सुविधाओं का विस्तार ही नहीं होता है। ईज ऑफ लिविंग तब बढ़ती है जब गरीब और मध्यम वर्ग की जेब में कुछ पैसे बचते हैं, उसकी बचत होती है। हमारी सरकार की योजनाएं कैसे लोगों का पैसा बचा रही है, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और अभी आप पढ़ रहे हैं तो शायद वहां इस पर उठाइए काम, अरुण जी आपकी यूनिवर्सिटी को लगाइए। 2014 में 2,00,000 रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स देना होता था, 2,00,000 इनकम पर इनकम टैक्स था। आज 7,00,000 रुपए की सालाना इनकम पाने वाले को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं है।
इसमें तो ताली बजाओ यार, पैसा तुम्हारा बच रहा है। ये मैंने इसलिए किया, अगर किसी को ऐसी भाषण में नींद आ जाती है तो जगाने के लिए जरूरी नहीं था, मुझे ताली की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ऐसे भाषण ऐसे हैं कि जिसमें मीडिया को इंटरेस्ट नहीं, उस भाषण में आपको क्या मजा आएगा। लेकिन मैंने कहा आज यही कर ले। देखिए, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसकी वजह से डायरेक्ट टैक्सेस में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं देश के नागरिकों के, 2.5 लाख करोड़ रुपए। साथियों, कई बार सरकार डिस्काउंट दे रही होती है लेकिन हमारे देश के सामान्य मानवी को में उसकी चर्चा ही नहीं होती है, पता ही नहीं होता है। रेल टिकट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ रेलवे की टिकट पर पिछले 10 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। 4.5 लाख करोड़ रुपया गरीब और मिडिल क्लास के ये पैसे बचे ही तो हैं, उसके पास बचे हैं पैसे, वरना वो सरकार को देता। स्वच्छ भारत अभियान को तो आप, हमारे अरुण जी ने तो काफी उसका झंडा उठाया हुआ है, मीडिया ने काफी सपोर्ट किया स्वच्छ भारत अभियान को, करीब करीब सभी मीडिया हाउसेज ने किसी न किसी रूप में उसका साथ दिया। ये भी गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे बचाने में मदद कर रहा है। इस अभियान की वजह से अनेक बीमारियां फैलने से रुकी है। एक स्टडी में सामने आया है कि स्वच्छ भारत अभियान हर साल गरीबों के 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचा रहा है। 60,000 करोड़ रुपए गरीब का बचना, यानी कितना बड़ा काम है जी। वरना यही पैसे उन्हें बीमारियों के इलाज पर खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपया जो उनको अस्पताल में देना था वो बचा हुआ है, खर्च होने से बचे हैं। सरकार एक जन औषधि केंद्र चला रही है। इन जन औषधि केंद्र में वही दवाइयां, कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं, करीब 80% हम डिस्काउंट देते हैं उसमें, ताकि मध्यम वर्ग गरीब परिवार हो, अब मध्यम वर्ग परिवार में बुजुर्ग मां बाप रहते हो, डायबिटीज हो, तो 1,500-2,000 रुपए की दवाई लग ही जाती है उसको। आज हमने जन औषधि केंद्रों में जो लोग दवाइयां लेते हैं उसके कारण गरीबों के, मध्यम वर्ग के 30,000 करोड़ रुपए जो उसकी दवाई में लगने वाले थे, डिस्काउंट के कारण 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। अब आपको जो सीधा जुड़ा हुआ है वो भी मैं बताता हूं। ये जो मोबाइल डेटा अभी है, आज आपके हजारों रुपए बचा रहा है, आपको मालूम ही नहीं है क्योंकि भूल जाते हैं और ये लोग बताते नहीं है। 10 साल पहले मोबाइल डेटा 250 रुपये पर जीबी होता था, 250 रुपीज पर जीबी। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आज जितने जीबी एक सामान्य भारतीय हर महीने खर्च करता है, उस हिसाब से अगर करता तो उसका टेलीफोन का महीने का बिल होता कम से कम 4-5 हजार रुपया से ज्यादा। लेकिन अब भारत में मोबाइल डेटा 10 रुपया पर जीबी के आसपास है, यानी 250 से कम होते 10 रुपया। हर महीने आपके मोबाइल बिल में ही 3-3.5 हजार रुपए बच रहे हैं, यानी
साल भर का करीब करीब 50,000 रुपया मोदी आपको देने नहीं आया है, लेकिन मोदी ने ऐसा किया है कि आपके पैसे बच रहे हैं, कभी याद करना मुझे भी। ये मैं चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। सरकार अपने घरों में यानी नागरिकों को दे रही है सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 इतने रुपये हर परिवार को मदद के रूप में दे रहा है। 78,000 रुपये कुछ ही हफ्ते के भीतर इस योजना से जुड़ने के लिए मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं, उनको ये पैसे मिलेंगे और इस योजना से जुड़ने वालों की आमतौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसके घर में एक आध एसी है, 2-3 फैन है, हो सकता है फ्रिज हो सकता है वॉशिंग मशीन हो, तो करीब करीब 300 यूनिट उसकी बिजली की जरूरत पड़ती है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलनी उससे संभव हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो ज्यादा बिजली पैदा करेगा सोलार सिस्टम से, सरकार वो खरीदेगी और उसकी कमाई का साधन पैदा हो जाएगा। साथियों, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स पर की मेहनत की कमाई को ऐसे ही बांट देता, तालियां बजवा लेता। मेरा रास्ता वो नहीं है दोस्तों। जब ऐसा मिलता है तो वाहवाही तो हो जाते हैं, लेकिन बचत करके भी जीवन आसान बनाया जा सकता है, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। ये रास्ता थोड़ा कठिन है, मीडिया के लिए बोरिंग है और आज भी शायद बोरिंग जैसा भाषण भी मेरा लगता होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का है, देश हित में है और मैं जानता हूं मुझे इसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है, लेकिन मैंने जैसे अभी कहा उन्होंने, मैं मक्खन पर लकीर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं पत्थर पर लकीर करने आया हूं। इसलिए मैंने रास्ता चुना है और मैंने ये रास्ता इसलिए चुना है कि मैं आपके बच्चों के हाथ में एक समृद्ध हिंदुस्तान देना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल को समझना हो तो आप पीएसयू सेक्टर में आए बदलाव को तरफ नजर करेंगे, देख पाएंगे। आमतौर पर सरकार के पीएसयू मतलब सरकारी खजाने से जाता है, जन्म लेता है और वो जन्म लेता है उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट तय हो जाती है जी। यही उसका इतिहास रहा है जी। बहुत कम पीएसयू होते हैं सरकार के जो कुछ देश के लिए काम आते हैं, बर्बादी लाते हैं जो रचना बनाई है जिन्होंने बनाई। लेकिन आप याद कीजिए, वो दिन याद करेंगे तो पता है जैसे पहले की सरकारों के चलते बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों बर्बाद हो गए थे। पहले की सरकारों ने एचएएल को भी बर्बाद कर दिया था, एलआईसी को लेकर भी कुछ लोगों ने एक से बढ़कर एक झूठ बोला था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज बीएसएनएल मेड इन इंडिया 5G की ताकत से आगे बढ़ रहा है, आज एयर इंडिया नई भूमिका में अपना विस्तार कर रही है, आज एचएएल में रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट हो रही है।
एचएएल के पास अब एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री है। आज एलआईसी भी दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। साथियों, हमारी सरकार के इफेक्टिव गवर्नेंस की वजह से आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं। इन पर निवेशकों का भरोसा बहुत अधिक बढ़ रहा है। 10 साल पहले पीएसयू का नेट प्रॉफिट लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए था, अब पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब करीब 2 गुना यानी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ के पार कर चुका है। 10 वर्षों में पीएसयू की नेटवर्थ 9.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। जब नेशन फर्स्ट की भावना हो तो ऐसे काम भी होते हैं और ऐसे परिणाम भी मिलते हैं। फैमिली फर्स्ट की भावना हो तो नतीजे आप भुगत रहे हो। साथियों, हमारी गवर्नेंस का एक और बड़ा पक्ष रहा है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए हर एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र है। अब जैसे ईडी को ही देख लीजिए, साल 2014 तक पीएमएलए के तहत 1800 केस रजिस्टर किए गए। स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र रूप से उसको काम करने देना चाहिए, उसको रोकने की अड़ने की क्या जरूरत थी। हमने कहा भाई, जो आपको ठीक लगे करो, मेरी पॉलिसी इतनी है जीरो टॉलरेंस। बीते 10 वर्षों में 4700 केस दर्ज हुए हैं। मैं जानता हूं आप ताली नहीं बजाइए इसमें, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। साल 2014 तक सिर्फ, अब देखिए देश कैसी हालत में रहा है, 2014 तक सिर्फ 5000 करोड़ रुपए की ही संपत्ति अटैच की गई थी। हमारे 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स के मामले में भी बीते 10 वर्षों में 10 गुना की वृद्धि हुई है। ईडी ने बहुत बड़ी संख्या में टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े अपराधियों को, साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों को, नारकोटिक से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के यहां ईडी की कार्रवाई ने, नोटों की गड्डियों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये हम कर पाए हैं। अब जब इतनी तेज कार्रवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है, और इसलिए ही तो वो लोग दिन रात मोदी को गाली देने का अभियान चला रहे हैं। देश भी देख रहा है कि इन लोगों की नीति, नियत और निष्ठा हर प्रकार से सवालों के घेरे में है। ऐसे लोगों को देश साफ साफ कह रहा है, सो सॉरी। साथियों, ये चुनाव का समय है तो हमारे विपक्ष के साथी कागजों पर सपने बुनने में जुटे हुए हैं, लेकिन मोदी सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 वर्ष भारत को
दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वॉटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। और इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले ही काम शुरू कर चुका हूं। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है इसलिए बोलता नहीं हूं। मैं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में फिर आऊंगा। तो इन संकल्पों पर मैं विस्तार से बात करूंगा। फिर एक बार आएगा तो देखिए आपका ऑडियंस की आवाज है, ये मूड ऑफ द नेशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।